जो हम वाले साहब से सुनते थे कि ये जब गोरे यहाँ पे आए हैं बरतानिया से, तो उस टाइम उनके जो घोड़ा गाड़ी जो बग्घी होती थी पीछे सामान लेके जाने वाली या जैसे भी, तो उस टाइम पे उनके कारवान पे ये काम होता था। ऑर्नामेंटल डिज़ाइनिंग बनती थी, बर्ड्स फ्लावर ये वगैरह बनते थे उस पर। तो हम लोग सुनते थे उस टाइम पे कि ये होता था। तो उस टाइम पे जैसे लोग घरों में भी काम करते थे अपने, जैसे ट्रंक पे पेंटिंग कर दी, ये नहीं था कि वो ट्रक आर्ट, लेकिन ये ऐसी अपनी घर खूबसूरत करने के लिए दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे। आज भी आप पंजाब के मुख्तलिफ थर के इलाकों में चले जाएं तो थोड़ा सा डिज़ाइन दरवाज़ों की साइडों पे बना होता है। तो पहले ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है। यू नो दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रक आर्ट बिगैन इन द अर्ली 50s व्हेन देयर वाज ह्यूज बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड गुड्स बिजनेस गोइंग ऑन बिटवीन कराची एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान। एंड मेनी ऑफ द ड्राइवर्स केम फ्रॉम द नॉर्थ एंड दे फेल्ट लोनली एंड अवे फ्रॉम होम, and they just would paint things on their trucks to make them feel at home and feel cozy and feel like they were with their families and things that they were familiar with. And with time it just became more and more of an art form and not just something that reminded them of home. karte aam logon mein gaadi aayi, ek aam bande ne gaadi kharidi, usne apni gaadi sajane ke liye uspe kapde bandh diye, oont ke paon mein ghungru bandh diye chan chan chalega, oont ke gale mein dori bandh di, इस तरह सजाते सजाते। तो वो जब ऊँट वाले ने अपनी गाड़ी ट्रक ख़रीदा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर तो ऊँट पहले ही नहीं भी चलता ना, ऊँट पे बैल पे बैल गाड़ियों पे, तो जब करते करते उसने अपनी ट्रक ख़रीदा ऊँट गाड़ी छोड़ के, तो उसने फिर अपने ट्रक को भी सजाया और फिर अपनी ऊँट गाड़ी भी आज भी लोग बनवाते हैं कि हम पहले ऊँट चलाते थे तो अब हम ऊँट हमारी गाड़ी के पीछे बनाओ। सेवक कर तो मेरी 12 घंटे ड्यूटी है, 12 घंटे में जो ट्रिप होते हैं वो हम लगाते हैं, जो काम होते हैं वो करते हैं, उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। तनख्वाह हमारी होती है 4000 रुपया, उससे हमारा गुजर गुजारा होता है। दूर दराज के ड्राइवर होते हैं जो घरों से बहुत दूर होते हैं, वो ऐसे ही अपने दिल जले ऐसे ही लिख देते हैं, कोई क्या लिख देते हैं, कोई क्या शहर लिख देते हैं, बस अपनी ऐसी शौकीय तौर पे लिख देते हैं। ये जी हम खूबसूरती के लिए बनाते हैं ताकि गाड़ी देखने वाले को खूबसूरत लगे, हमें खुद को खूबसूरत लगे, अच्छी लगे। पुरानी गाड़ी होती है उसको ज़्यादा करके ड्राइवर पसंद नहीं करते कि यार ये कोई गाड़ी बहुत पुरानी है, ख़त्म है, तो भी कलर कराते हैं, 1-1.5 साल बाद कलर करा देते हैं गाड़ी। I know many of these truck drivers, they'll spend money on their truck to do it up and make it pretty, but they won't spend any money on their homes, they won't spend any money on their families. But when it comes to their truck, they'll make the best possible artist to make the best possible scenery on it. Why? Because they think the better that their truck looks, the bigger contracts they're going to get, the richer projects they're going to get, and more goods they're going to get to carry with them. बिज़नेस को ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम जो है ना इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। कब वो हम गाड़ी बेचना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन वाइज के हिसाब से हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक हमारा शौक़ भी है इस चीज़ में कि हमें एक अच्छी चीज़ बनाएं, समझा, उसमें हम अपना बिज़नेस भी करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम उसको बेचना चाहें तो हमको उसके पैसे अच्छे मिल जाएँ। एक चीज़ एक बनी हुई चीज़ होगी तो उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं। They like to paint valleys, huts, winding roads, rivers, and if you notice, most of the scenery is from the northern part of Pakistan, and that's simply because most of the drivers are from the northern part of Pakistan, and they want things painted on their trucks that remind them of home.